अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दोबारा कैंडी क्रश का लेवल कंटिन्यू होगा और अब हम खेलेंगे लेवल 147 को लेके चलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी इसको मैंने कितने अच्छे से क्लियर किया है। दो बार मैं इसको खेली हूँ अगेन अगेन, जो सही बात है, और उसके बाद मैं इसको क्लियर कर सकी हूँ। तो दो बार जो मैंने इसको कंटिन्यू किया है वो तो खैर मैं नहीं दिखाऊँगी, लेकिन जो मैंने क्लियर कर लिया है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह इसको क्लियर किया। क्योंकि साइडों पे जो था ना वो ख़त्म नहीं हो रहा था, दोनों के साइड पे जो है नीचे वाला, तो चलो क्लियर हो भी जाएगा क्योंकि हमें नीचे वाले को जो चॉकलेट है उसको ख़त्म करना था भी नहीं, हमें क्लियर उसको करना था जो क्रीम टाइप सी ऊपर बनी हुई है उसको। अब साइडों वाला जो ख़त्म नहीं हो के दे, फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद, काफ़ी दिमाग लगाने के बाद, अगर मैं एक मूव भी अगर एक्स्ट्रा वेस्ट वाला खेलती, बिल्कुल बेकार वाला, तो शायद मैं हार भी सकती हूँ। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर मैंने कैसे कैसे खेला है। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताएं कि मैं कौन से ऐसे गेम खेलूँ जो आप चाहते हैं कि मैं गेम खेलूँ, क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी एक दूसरे गेम से जो एक नया गेम है, मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग देखें। मुझे तो वो गेम ज़्यादा ख़ास नहीं लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ फिर भी आप लोग वो वीडियो देखें, और उस गेम को अगर खेलना चाहते हैं तो आपको पहले वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा, उसके बाद आप गेम खेल सकेंगे। तो मैं इंशाल्लाह उसकी जो है ना नेक्स्ट पोस्ट उसी की दूँगी। इसको देख लेते हैं कि साइडों में सिर्फ चार चार हमारे पास वो बचे हुए, तो मैंने इसको कैसे ख़त्म किया आप ये देखिएगा। 11 मूव्स के साथ मैंने 3 स्टार तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये बदकिस्मती से ये चारों मेरी नज़र में रह गए थे जो ख़त्म नहीं हुए। तो एक ब्लास्ट के बाद उसका यानी कि, अच्छा पता है ये जो 3 वाले हैं ना, इसमें ये था कि अगर इसके ऊपर 3 तरह के कलर्स लगे हुए होंगे, 2 तरह के कलर, तो मतलब आपको 3 दफ़ा उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी है। 3 दफ़ा आप जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे एकदम से वो ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने 2 मरतबा का कर लिया था, 1 रह गया था मेरे पास। अब 5 मूव्स के साथ मेरे पास इसको क्लियर करने का कोई चांस नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्लियर करूँ तो करूँ कैसे। ना मेरे पास 3 का कोई बना हुआ था और ना ही कोई मेरे पास ब्लास्ट वाला था। ब्लास्ट वाला तो खैर आगे काम भी नहीं करता, लेकिन वो जो स्लाइड्स वाले क्लियर करते हैं ना, वो वाले शायद मेरे लिए वो फ़ायदेमंद होते। वो मैं कैसे क्लियर कर सकी आप वो देखिएगा। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी था जो कि डिले हो गया रेन की वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वो कहाँ तक जाता है। फ़िलहाल मैं ये वाला लेवल जीत चुकी हूँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि हमारी उम्मीदें तो कायम रहती हैं, बेशक वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह खेलें, क्योंकि कंडीशन हम देख रहे होते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। हम कराची वालों की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये दुआएं हैं कि वो ही जीते। अल्लाह उनका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक मेरे साथ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।